हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आदि पुरुष की 11 दिन की कलेक्शन के बारे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस मूवी में प्रभास, कृति सैनन देखने को मिलेंगे एंड ऐसे नेगेटिव करेक्टर सैफ अली खान देखने को मिलेंगे। ये मूवी को जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। मूवी जो है मुझे लगता है 20 दिन भी क्रॉस नहीं करेगी जो है सिनेमो में, उसके बाद ही मूवी OTT के ऊपर रिलीज हो जाएगी। मूवी का बजट है लगभग 600 करोड़ का। अगर हम बात करें कि ये मूवी हिट है या फ्लॉप, वो हम देखेंगे बाद में। पहले इस मूवी की 11 दिन की जो कलेक्शन है वो बताई जा रही है। हिंदी कलेक्शन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की नेट एस्टिमेटेड कलेक्शन। ऑल इंडिया इसकी कलेक्शन हो सकती है 2.50 करोड़ से लेकर 3.50 करोड़ की ग्रोस कलेक्शन। एंड इसकी जो है 11वें दिन के ऊपर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो सकती है 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच की। तो ये मूवी की जो है अब तक की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 4.50 करोड़ की। एंड ये मूवी का जो बजट है वो है लगभग 600 करोड़ का। तो ये मूवी को जो है हम अब तक तो एक डिज़ास्टर मान सकते हैं, या फ्लॉप भी बोल सकते हो। एंड जिस तरह से इस मूवी को जो रेटिंग मिली है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी है। इस मूवी के में जो है डायलॉग्स चेंज भी करे गए हैं बहुत सारे, पर स्टिल उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। IMDb की इसकी जो रेटिंग है वो बताया है 10 में से 4.4 स्टार की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। VFX की तो ऐसी तैसी मार रखी है इन्होंने इस मूवी में। एंड अब यानी कि ट्रेंडिंग में इस मूवी की वजह से जो है रावण ट्रेंडिंग में आ रही है। वो मैं तो दिल से चाहता हूँ कि रावण जो है वो 2 उसका पार्ट आए। रावण जो थी उसमें भी एक आप लोग कह सकते थे राम वर्सेस जो रावण का जिक्र हुआ था, पर हम ही ऑडियंस है भाई, हम ही नहीं समझ पाए उस कंटेंट को, क्योंकि वो हमारे लिए 2011 में वो कंटेंट आया था और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ओवर था। हमें ये पता है कि भाई जो है शाहरुख खान वो हर एक बार जब भी मूवी लेके आते हैं ना, वो हमारे लिए ऊपर ही हमारे सिर से निकलती है वो मूवी जो भी होती है, जैसे कि स्वदेश, रावण और बहुत सारी मूवीज़। अगर आपने मूवी थिएटर में देखी है आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी ज़रूर बता देना। गालियाँ वालियाँ मत देना यार, आराम से अपने रिव्यूज़ दे देना। मुझे पता है गालियाँ निकलेंगी आपके मुंह से अगर आपने पैसे लगाए और मूवी देख के आए हो ये मूवी तो। हाँ बस मैं तो घर पे बैठे देखूंगा, वो भी मुझे डर है कि मैं घर का TV ना तोड़ दूँ। एनीवेज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और राम जी के लिए फुल रिस्पेक्ट है भाई, प्रभास के लिए भी फुल रिस्पेक्ट है, कृति के लिए भी, सैफ अली खान के लिए। बस सिर्फ एक बंदे के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो है ओम रावत भाई। इस बंदे को कुछ नहीं पता, ये मैं नहीं कह रहा, ऑडियंस कह रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।